अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है जी? सबको उम्मीद करते हो भाई आप सब तो ठीक ठाक होनी हो। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। अभी ना टाइम 5:42 हो रहे हैं, आज जो कि ईद उल अजहा का दिन है पहला, और अभी नमाज भी पढ़ने के लिए जाना है हमने। ईद की नमाज का टाइम तो 6:30 है, लेकिन अभी टाइम 5:42 हो रहे हैं, तो आधा घंटा है, इजीली चले जाएंगे। मगर मैंने ना थोड़े से हेयर कट करवाए हैं, तो मुझे ना ऐसे अजीब सा लग रहा है कि ये छोटे छोटे हो गए यार। क्या बोला तूने? ठीक है यार, 2-3 दिन अजीब लगेंगे, बाकी फिर सही हो जाएंगे। यार अभी ना जल्दी जल्दी चलते हैं, नहाते हैं और कपड़े शपड़े चेंज करते हैं, नमाज पढ़ने के लिए चलते हैं, इससे पहले कि हम लेट हो जाएं। लेट तो नहीं होते, फिर भी यार इतना रश हो जाता है, जगह नहीं मिलती है मस्जिद में। हाँ तो भाई अभी रेडी हो गए, ईद की नमाज पढ़ने के लिए जा रहे हैं। जी चले, जी चले बादशाह। यार अभी ना हम ईद की नमाज पढ़ रहे हैं, तो इब्राहिम को मैं पकड़ के लाया हूँ। ऐसा तो है कोई नहीं अभी घर में, पता नहीं कहाँ पे नहा रहा है या फिर वैसे ही नहीं मिल रहा, तो अभी इसे मैं लेकर आया। मैंने कहा चलो भाई एक आधी फ़ोटो बनाओ, स्टेटस लगाते हैं। मगर आप सबको ना मेरी तरफ से बहुत सारी ईद उल अजहा मुबारक हो। ईद मुबारक। 40-50 फ़ोटो बनवाई हैं, मुझे पता नहीं यार ये सही नहीं क्लिक करते, तो इनमें से जो भी सही होगी ना तो फिर वो मैं निकाल लूंगा। इस दफा यार हमारी भी कोई नहीं थी कुर्बानी, तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ना अगली दफा इंशाल्लाह लेंगे। अभी क्या करना है यार, सारे दिन क्या करना है यार, हमारी रूटीन कैसी है। रात को यार अभी मैं सोया भी नहीं हूँ, 12:30 सोया हूँ, और मेरा दिल है अभी ना कपड़े छपड़े चेंज करके सो जाते हैं, और आज कहीं पर जाना भी नहीं है क्योंकि आज कुर्बानी का दिन है, तो कौन जाता है कहीं पर यार, कोई भी नहीं जाता। अभी चलते हैं यार घर, खाना शाना खाते हैं, नाश्ता अभी नहीं किया, नाश्ता करते हैं और सो जाते हैं। ओए अच्छा भाई अभी ये आ गया आशिम। आशिम ओए ये लो, ये लो बस 50 ही लेनी है और ले लो, गिराए जा रहा है ये, देखो इसके काम देखो, ये देखो तुम पैसे गिरा रहे हो, तुम्हें पैसे नहीं देने। अच्छा भाई हुरैन अभी सोई हुई थी, अभी अभी उठी है, ये देखो पकड़े जा रही है। बस करो ये, ये देखो मुझे वापस दे रही है। ये मेरी छोड़ दो ना, ये अभी मुझे लेने दो। अभी सीन कुछ ऐसा है कि अभी ना टाइम 12:30 हैं, अभी दोस्त आए हुए थे उनके पास, काफ़ी देर बैठा रहा हूँ। यार गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कहीं जाने का दिल नहीं कर रहा, सही बात है गर्मी बहुत ज़्यादा है। अच्छा यार अभी ना टाइम 6:30 है, गली में कोई बंदा नहीं है, आज टाइम का पता ही नहीं चला, सोया हुआ था, 3 घंटे ऐसे गुजरे हैं पता ही नहीं चला। चलते हैं इसकी वीडियो बनाते हैं और अपनी बनवाते हैं। वो देखो सामने सूरज डूब रहा है, और मैं ये सोच रहा था सारे दिन यार, मैं ये सोचते हुए गुजर गया कि हम कहीं पे गए नहीं है, और जाएं तो जाएं कहाँ पे, गुजरात में भी कोई ऐसी खास जगह नहीं है, तो कहाँ पे जाएं। सारे दिन ना यही सोचता हुआ मेरा गुजर गया कि कहाँ पे जाएं। गांव से बाहर आए हैं हम ये वाली सड़क पे, तो देखा कि गाँव के सारे लड़के है यहाँ पे है सारे, कोई वीडियो बना रहा है, कोई वैसे बैठे हैं, तो मुझे बस ना पहले यही लग रहा था कि हम नहीं गए बस। हाँ यार अभी हमने फोटो वगैरह तो बना लिए यार, कोई मज़ा नहीं आया यार आज तो, आज मज़ा बिल्कुल कोई नहीं आया, सही बात है। ईद की नमाज़ पढ़ ली, सो गए और फोटो बना ली, बस यही होता है और क्या होता है। यार हमारी ईद तो ऐसी गुजरी है, होप चुके आपकी अच्छी गुजरी होनी है, मज़े की गुजरी होनी है। बगैर जैसे जैसे हम बड़े होते जा रहे हैं ना, हमारी ईद वैसे वैसे बोरिंग होती जा रही है। सुबह का 2nd डे है जो बोरिंग गुजरने नहीं देना, और ना ही सुबह सोना है। सुबह का तो यार बोरिंग डे बिल्कुल भी नहीं होने वाला, क्योंकि सुबह यार सोना ही नहीं है, आज नींद बहुत ज़्यादा आई, तो मैंने कहा चलो यार सोते हैं। अगर आप बताओ आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर नहीं किया तो। बाकी मुलाकात होगी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, इंशाल्लाह तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।